फैट लॉस एंड मसल गेन दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ऐसा बहुत विद्वानों का कहना है, लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू लूज फैट एंड गेन मसल एट द सेम टाइम। पॉइंट नंबर 1, द नीड ऑफ नॉट बल्किंग। ये पॉइंट वैलिड है उन लोगों के लिए जो लोग कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में नहीं जा रहे हैं, जो मेरे ख्याल से 99% ऑफ द पीपल है। कोई भी जिम में घुसने के साथ वहाँ के एक्सपीरियंस्ड जिम ब्रोस और बहुत सारे ट्रेनर्स का ये कहना होता है कि बल्किंग करना थोड़ा सा जरूरी है अगर तुमको मसल गेन करना है तो। इस चक्कर में हम लोग खा तो लेते हैं लेकिन कटिंग के टाइम फट के हाथ में आ जाता है, और ये बोलना कि 200-300 400 कैलोरीज सरप्लस में खाओ अभी और कटिंग के टाइम 600-700 कैलोरीज डेफिसिट में जितना आसान है, फॉलो करना उतना ही मुश्किल। ऑनेस्टली अगर आप एक वर्किंग इंडिविजुअल हैं, कॉलेज जाते हैं या किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना दिमाग अपने प्रोमोशन, डिग्री या तैयारी में लगाएंगे या सोयाबीन में 50 ग्राम प्रोटीन है आज मुझे 2 पैकेट खाना है उसमें लगाएंगे। कभी कभी सिंपल रास्ता लेना आवश्यक ही नहीं बल्कि मेरे हिसाब से उचित भी है। बल्किंग की कोई जरूरत ही नहीं है अगर गोल है एस्थेटिक दिखना। अगर आप एक बिगिनर जिम गोअर हैं तो बल्किंग शब्द अपने डिक्शनरी से ही हटा दीजिए, क्योंकि आपका फैट लॉस और मसल गेन दोनों बहुत जल्दी होगा थैंक्स टू योर न्यूबी गेन्स। और अगर आप एक इंटरमीडिएट है, मतलब जिम में थोड़ा टाइम हो गया है और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं बोलूंगा वीकली 2-3 times Zone 2 कार्डियो फॉर 30-45 minutes करना स्टार्ट कर दीजिए। Zone 2 का मतलब होता है जहां आपका हार्ट रेट एक स्पेसिफिक रेंज में रहेगा, और या अगर आप साइकिलिंग या रनिंग कर रहे हैं, अगर आप नोज से ब्रीथ कर रहे हैं उस वक्त, इसका मतलब है आपका हार्ट रेट Zone 2 में है। Zone 2 में आपकी बॉडी यूज करती है फैट एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल, इसलिए आपका फैट लॉस प्रोसेस काफी तेजी से होगा। रेस्ट 3 days आप अपने जिम में दीजिए, 2-3 महीना ये वाला रूटीन फॉलो कीजिए, आप खुद रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। पॉइंट नंबर 2, ट्रेनिंग। जितना भी वीडियोस देख ले, समझ ले, लेकिन अगर ये वाला पार्ट हम लोगों से मिस हो जाएगा तो कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर हम लोगों की बॉडी एक गाड़ी है तो इंजन होगा ट्रेनिंग और फ्यूल होगा जो फूड हम लोग खाते हैं। एक गाड़ी में फ्यूल रह सकता है लेकिन इंजन के बगैर वो चलने वाला है नहीं। YouTube में जितना आप वीडियोस देखेंगे, बहुत सारे वीडियोस, मैक्सिमम वीडियोस में ये कहा जाएगा कि 6 दिन आप जिम जाओ, थोड़ा सा कैलोरी मेंटेन करो, ये वाला स्प्लिट फॉलो करो और आपकी बॉडी बन जाएगी विद पेशेंस एंड टाइम। मेरा मेथड थोड़ा सा अलग है। मेरे हिसाब से ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें मजा आए, बोरिंग ना लगे और रिजल्ट 100 लोगों से थोड़ा अलग हो। मेथड कुछ लोगों को पता है जो लोग मेरे चैनल में पुराने हैं। हाइब्रिड ट्रेनिंग, कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टुगेदर। बिगिनर, इंटरमीडिएट या एडवांस फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रेनिंग आपको हेल्प करेगा टू बिल्ड मसल एंड लूज फैट एट द सेम टाइम। एक हाइब्रिड ट्रेनिंग स्प्लिट आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आफ्टर 1-2 months जब आपका बेस बिल्ड हो जाएगा, आप अपने कार्डियो टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं टू 1 hour 30 minutes, स्पेशली ऑन वीकेंड्स जब आपके हाथ में थोड़ा सा ज्यादा टाइमिंग हो। ये ट्रेनिंग स्प्लिट आपको मदद करेगा एक एवरेज जिम ब्रो से अलग दिखने में। उसके अलावा भी आप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, हाफ मैराथन, ट्रायथलॉन के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फैट लॉस एंड मसल गेन आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। मुझे चीजें सिंपल रखना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए करेंटली मेरा कितना बॉडी फैट परसेंटेज है, कितना मसल मास है, वो सब में मैं उतना ध्यान एंड एनर्जी वेस्ट नहीं करता हूं। उल्टा मैं अपने ट्रेनिंग में फोकस करता हूं कि मैं बेटर हो रहा हूं कि नहीं, फास्टर हो रहा हूं कि नहीं, एंड रेस्ट अपने आप लाइन में आ जाता है। पॉइंट नंबर 3, डाइट, स्लीप एंड सप्लीमेंट्स। कोई भी हैबिट हम लोग अगर दबा के रखते हैं तो वो फ्यूचर में और भयंकर लूप लेके बाहर आता है। इसीलिए 99% ऑफ द पीपल, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, डाइट करने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सब कुछ एक साथ खाना छोड़ देते हैं जो हम लोग की खाने की आदत थी। एक फ्लेक्सिबल डाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उनमें से हैं जो कैलोरी काउंट के झमेले में नहीं पड़ना चाहते, तो मैं बोलूंगा एक सिंपल 80-20 डाइट प्रिंसिपल फॉलो कीजिए। 80% क्लीन फूड, 20% अपने मन मुताबिक खाना। इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, तभी जाके कंसिस्टेंसी आएगी। वीकेंड में जिस दिन आपका एक हार्ड वर्कआउट डे रहेगा, सपोज सैटरडे या संडे को, मॉर्निंग में आपने एक 1 hour का इजी रन कर लिया और इवनिंग को एक अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड कंडीशन वर्कआउट सेशन भी रखा, तो उस रात को अगर आपको डिनर के बाद एक मिठाई खाने का या एक आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, देन गो फॉर इट, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हैं और गिल्टी 1% भी फील मत कीजिएगा। सरप्राइजिंगली आप खुश भी रहेंगे। जैसे जैसे आप अपने वर्कआउट में प्रोग्रेस करते रहेंगे, आपकी क्रेविंग्स धीरे धीरे कम होती रहेगी, क्योंकि आपके माइंड में ये रजिस्टर हो जाएगा कि जिस दिन ज्यादा
मेहनत होगा उस दिन मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है, इससे आपके अर्जेस भी धीरे धीरे चले जाएंगे। स्लीप आपको पता ही है कि कितना इम्पोर्टेंट है फॉर फैट लॉस, मसल बिल्डिंग एंड फॉर रिकवरी। इसीलिए मोटिवेशनल वीडियोस के क्लिकबेट में मत पढ़िएगा कि आई स्लेप्ट फॉर 4 आवर्स फॉर 1 ईयर एवरी सिंगल डे, जो कि असंभव है। 6.5 आवर्स टू 8 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी सिंगल डे, जिससे आपकी मेंटल क्लैरिटी, बेटर फिजिक और बेटर रिकवरी अपने आप हो जाएगी और आप प्राइम कंडीशन में रहेंगे। ऑथर मैथ्यू डिक्स, जिसने बुक लिखा है समडे इज टुडे, उनका कहना है कि स्लीप इज अ नेसेसिटी नॉट अ लग्जरी, सो ट्रीट इट लाइक दैट। सप्लीमेंट और एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट मेरे हिसाब से फैट बर्नर, साइकोटिक प्री वर्कआउट, C4 ये सब लेने की जरूरत नहीं है। मैं खाली क्रिएटिन, वे प्रोटीन, फिश ऑयल और मल्टीविटामिन लेता हूँ, जो मेरे हिसाब से सफिशियंट है। प्री वर्कआउट के लिए आप एक ब्लैक कॉफी पी के जा सकते हैं। कीप इट सिंपल, ये मेरा मंत्र है। लाइफ ऐसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, खामखा ज्यादा उंगली करके फायदा नहीं है। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो जाते जाते रेड सब्सक्राइब बटन को ठोकते हुए जाइएगा, ताकि हम लोग की बातें और मुलाकातें होती रहे। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, टेक एक्शंस, कीप स्माइलिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।